और सबसे बड़ा चैलेंज इन लोगों के लिए था कि इनकी काउ जो थी बिमला उसको कहाँ रखे, और अब उस काउ का एक ऑक्स भी था, यंग ऑक्स था जिनका नाम बोलो था। तो फाइनली इन्होंने ना एक जगह को शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि वहाँ पे यू नो काउ को मार देते हैं और उसका मीट बना के बीफ जो होता है वो सेल होता है। तो दे वर वेरी कॉशियस कि अपने काउ को कहाँ रखेंगे। तो फाइनली इन्होंने एक जगह ज़ीरो आउट करी, वो था गुरुकुल इन थ्री रिवर्स कैलिफोर्निया, और वहाँ पे बहुत बड़ा पास्चर लैंड था जहाँ इनकी काउ आराम से चर सकती थी। तो इन्होंने फिर से एक ट्रेलर लिया, अपनी कार के साथ जोड़ा और 600 माइल वो चले अपनी गायें और इस ऑक्स को लेके, और बीच बीच में वो रोकते और अपनी गाय और ऑक्स को बीच में यू नो वॉक कराते ताकि उनकी लेग्स चलती रहें। और मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स जो थे वो बड़े यू नो सरप्राइज थे कि कैसे किसी जानवर के लिए ये लोग बार बार गाड़ी रोक रहे हैं। और फाइनली ये ओरेगन वापस आए और बहुत सैड उससे इन्होंने ओरेगन छोड़ा 28 जुलाई 1979 को। और इनके जो लैंडलॉर्ड्स थे जो बिल्कुल एक पेरेंटल फिगर की तरह थे स्टैनफील्ड्स, उनकी आंखों में तो आंसू थे। तो ये सारा इंसिडेंट ये दिखाता है कि शिला प्रभुपाद ने कैसे सिखाया है कि जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय हो तो हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए उस डिफ़िकल्टी से उभरने के लिए। और प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, यूज़ योर इंटेलिजेंस फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, अपनी इंटेलिजेंस को कृष्ण की सर्विस में लगाओ। और हमें ये यमुना माता जी के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरह दिखता है कि कैसे उन्होंने ओरेगन में जो एकदम जोनल हेड का मैनेजमेंट आ गया था उसको फेस करने की जगह उन्होंने वो जगह छोड़ दी। और लंदन वैसे भी उनके लिए बहुत स्पेशल था, और वो फर्स्ट टाइम भक्ति वेदांता मैनर को देख रही थी क्योंकि जब जॉर्ज हैरिसन ने उनको वो गिफ्ट किया था तब वो इंडिया में थी। और यहाँ के लाधा लंडनेश्वर डीटीस का इंस्टॉलेशन तो वो देख ही चुकी थी, और सॉरी यहाँ के राधा गोकुलानंद डीटीस वो तो डेली पंडाल में इंस्टॉल हो ही चुके थे, उनका यू नो विग्रह स्थापना कर दी गई थी। परंतु वहाँ के कुछ डिवोटीज ने इस अर्च विग्रह की फिर से स्थापना करी थी 3 बार, एक बार लंदन में, फिर न्यूयॉर्क, फिर डैलस में। जब शिला प्रभुपाद को इस बारे में पता चला था तो शिला प्रभुपाद ने मना कर दिया था और कहा कि इनका ऑलरेडी स्थापना हो चुकी है, ये विग्रहों की सेवा चलती है तो आप आगे ऐसे मत कीजिए। इन लोगों का लंदन में ना बहुत अच्छे से, यूनाइटेड किंगडम में बहुत अच्छे से स्वागत होता है, और स्पेशली वहाँ की लेडीज संकीर्तन पार्टी बहुत ही खुश होती है। और यमुना माता जी को फर्स्ट टाइम इतने अच्छी लेडीज़ पार्टी का संग मिल रहा था तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये चर्च फार्म हाउस एल्डरलैम में वहाँ पे जयतीर्थ महाराज और उनकी वाइफ मंजू आली के साथ रहते हैं, और उनका एक बेटा होता है छोटा सा वैष्णव चरण। तो राधा बन बिहारी को वो भक्ति वेदांत मैनर के जो राधा गोकुलानंद ऑल्टर है उसी में रख देते हैं, और वहाँ की जो पुजारी होती है वो होती है रमा देवी, और वो सच में बहुत अच्छी सेवा करती हैं विग्रहों की। और दूसरा वो एक बहुत अच्छी यू नो आउटफिट मेकर है, बहुत अच्छी टेलर हैं, और उन्होंने इनके लिए बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाई। तो एक फेस्टिवल आ रहा होता है और वहाँ पे ये राधा गोकुलानंद के लिए ऑरेंज और डीप टर्कोइज कलर की एक ड्रेस बनाती हैं, और वो फिर यमुना माता जी से पूछती भी हैं क्या इससे मैचिंग ड्रेस आपके राधा बन बिहारी के पास है, तो यमुना माता जी मना कर देती हैं और रमा देवी उनके लिए वो ड्रेस बनाती हैं। उनका ड्रेस बनाने का तरीका यमुना माता जी के ड्रेस बनाने के तरीके से ऑल्दो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन जब वो ड्रेस बनाती हैं तो शी फील हर्सेल्फ वेरी एम्बैरेस्ड कि उन्होंने राधा बन बिहारी को बिल्कुल पोटैटो सैक वाली बोरियों में कर दिया है, लेकिन यमुना माता जी उनको ड्रेस को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करती हैं। और इनफैक्ट 2010 में जब वो मायापुर में रमा देवी से मिलती हैं तो वो कहती है आज तक भी राधा बन बिहारी आपकी बनाई हुई ड्रेस को बहुत अच्छे से पहनते हैं। तो बड़ी खुश होती हैं कि कितना, मतलब यमुना माता जी जैसी परफेक्शनिस्ट लेडी भी उनको इतना अप्रिशिएट कर रही है। और वो कहती है यमुना माता जी से मिलके मैं बहुत एंथुजियास्टिक नहीं होती थी बल्कि डिप्रेस हो जाती थी कि मैं कैसे उनके स्टैंडर्ड तक कभी पहुंच भी पाऊंगी। और वहाँ पे जयतीर्थ महाराज जो थे जिन्होंने इनको यूके बुलाया, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डिसाइपल्स को इनिशिएट कर दिया है, और वहाँ
मंजुआलिका जो माता जी हैं उनकी वाइफ, वो एक गुरु माँ का रोल प्ले कर रही हैं। और सारी चीज़ें जो है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बैलेंस हो रही हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं था, ये तूफान से आने से पहले की शांति थी। कुछ चेंजेस जो थे जयतीर्थ महाराज में दिख रहे थे आफ्टर जोनल आचार्य बनने के बाद, परंतु इन लोगों ने उस चीज़ को अवॉइड करा, उन्होंने इसको ओवरसी किया, क्योंकि उनको लगता था जयतीर्थ महाराज बहुत ही प्रोटेक्टिव और थॉटफुल पर्सन है, वो शिला प्रभुपाद की फिलॉसफी को ही आगे एडवोकेट करेंगे, और कैसे ये लोग उनके प्रति ग्रेटफुल थे कि उन्होंने उनकी हर तरीके से हमेशा से हेल्प करी। सबसे इम्पॉर्टेंट इन लोगों को यूके में लगा था वो था कीर्तन मंडली, वहाँ की जो विमेन की कीर्तन मंडली थी, संकीर्तन मंडली थी, और वो कैसे क्लासेस कीर्तन प्रभुपाद क्वार्टर्स में करते थे, और एक उनमें एक आपस में एक बहुत स्ट्रेंथ थी जो यमुना माता जी को भी बहुत इंस्पायर करती थी। और यमुना माता जी का जो क्रास्मेटिक नेचर था वो इन सारी लेडीज़ को बहुत अट्रैक्ट करता था, और क्योंकि यमुना माता जी में कोई प्राइड नहीं था, कोई पोजीशन, कुछ अचीवमेंट का कुछ भी ऐसा नहीं था, शी वॉज़ वेरी हम्बल, पेशेंस था उनमें, तो उन्होंने इनकी लाइफ्स को बहुत डीपली टच किया। कामा दुखा देवी माता जी कहते थे कि हम सरप्राइज थे कि कभी भी किसी विग्रह की इतनी अच्छे से सेवा हो सकती है घर में, वो हर चीज़ इतने मतलब इतनी पर्टिकुलर थी हर चीज़ करने में, यही यमुना माता जी की आइडेंटिटी थी, परंतु फिर भी वो सारा सेंटर ऑफ अटेंशन से हमेशा पीछे रहती थी, कभी भी लाइमलाइट में नहीं आती थी, लो की रहती थी, और यही मिस्ट्री थी उनकी सराउंडिंग में, और इसी मिस्ट्री की वजह से लोग उनके प्रति और आकर्षित होते थे कि वो इतना फेमस होते हुए भी इतनी हम्बल और मॉडेस्ट है, और इसलिए सब लोग उनके प्रति अट्रैक्ट होते थे, और सब लोगों को लगता था कि उनके साथ वो समय व्यतीत कर पाए। अब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे यमुना माता जी को भी है कि अब हमें अपना यहाँ पे वैसे ही आश्रम खोलना चाहिए जैसे हमने ओरेगॉन में खोला था, और जयतीर्थ महाराज भी इनको बहुत इनकरेज करते हैं कि तुम करो, एक अलग से फैसिलिटी खोलो जहाँ पे स्त्री आए, बहुत सारी लेडीज संकीर्तन की आए, उनको तुम सिखाओ, और साथ के साथ जैसे तुम वहाँ पे ओरेगॉन में कर रही थी वैसे ही मॉडल यहाँ पे लेके आओ। तो इन्होंने हर्टफोर्डशायर एक टाउन था बर्कहैम्पस्टेड में, वहाँ पे एक ऑर्डली शेप प्राइवेट ब्यूटीफुल होम को पसंद किया, हालांकि उसका रेंट बहुत ज़्यादा था, परंतु टू लेडीज़ और आई इनके साथ, गंगा माई और आनंदा, जो रेंट शेयर करने के लिए तैयार थी। और यहाँ पे और भी माता जी आती रही, और ये सब वाइट में ड्रेसअप होती थी, और इनको याद आता है कि प्रभुपाद एक बार इनको कहा था, हेयर कम्स माई विमेन इन वाइट, ये देखो आई हैं ये स्त्रियाँ मेरी वाइट में। तो शिला प्रभुपाद इनसे पूछते थे, क्या तुमने वो बुक पढ़ी है विमेन इन वाइट, तो माता जी मना करती थी, और फाइनली इन्होंने लाइब्रेरी से वो बुक निकाल के देखी, वो थी 1959 का एक नॉवल था विल्की कॉलिंस द्वारा, जो कि प्रोटेजी थे चार्ल्स डिकन के, मतलब जो चार्ल्स डिकन की आगे लेगेसी को कैरी करने वाले थे, और उन्होंने सोचा कि ये शायद शिला प्रभुपाद ने नॉवल अपने कॉलेज डेज में पढ़ा होगा। लेकिन जब गंगा माई और आनंद माता जी वहाँ से चली गई उनके सेंटर से जो उन्होंने लिया था, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी हुई रेंट को मेंटेन करने के लिए, पर थैंकफुली जयतीर्थ महाराज और संकीर्तन पार्टी की लेडीज़ ने इनका बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। इसका मतलब था कि वो इंग्लैंड में अब रह पा रहे थे, यमुना माता जी फुल टाइम अपनी बुक को कम्प्लीट करने में बिज़ी रहती थी, और दूसरा वो और लोगों का साथ एसोसिएट करती थी, रेसिप्रोकेट करती थी, संकीर्तन वुमेन को उन्होंने डीटी वर्शिप दिखाई, दोनों कैसे राधा बन बिहारी की सेवा करती थी, इवन माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल कैसे वो करती थी, उनका सिंहासन, उनका मूड ऑफ ड्रेसिंग मॉर्निंग में, वो इंटीमेसी जो उनमें थी राधा बन बिहारी को करते हुए, बहुत सारी संकीर्तन की लेडीज़ बहुत अट्रैक्ट होती थी, कैसे वो कीर्तन करते थे, कैसे एक लविंग मूड टुवर्ड्स द डीटीज़ वो इनकलकेट करते थे, ये सब उन्होंने खोला। बहुत सारी लेडीज़ का कहना है कि हम ऑलरेडी मंदिर में तो बहुत भर रही हैं, लेकिन एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस जो थी ना,
कि कैसे हम एक डीटीज के साथ, विग्रहों के साथ, राधा बन बिहारी के साथ संबंध बना सके, वो हमने जमुना माता जी से सीखा। और जमुना माता जी बहुत रेसिप्रोकेटेड थी उन लेडीज़ के साथ, वो उनको अलाउ करती थी कि आओ यहाँ पे रेस्ट करो, यहाँ पे डीटीज़ की सर्विस करो, जो करना है करो। तो एक होल डिफरेंट वेवलेंथ की डिवोशनल सर्विस वो यहाँ पे सीख रहे थे। और सारी संकीर्तन लेडीज़ का कहना था, जैसे कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स जब भी उनसे मिलते थे तो सबको लगता था शिला प्रभुपाद उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, उन्हीं की तरफ नोटिस कर रहे हैं। और वैसे ही जमुना माता जी के साथ बात करते हुए लगता था कि वो उन्हीं की तरफ देख रही हैं। और वो इतनी अच्छी थी कि वो हर बंदे की सर्विस को बहुत डीपली अप्रिशिएट करती थी। जैसे माता थी जगत धात्री देवी माता जी, तो एक बार जमुना माता जी ने उनसे पूछा तुम क्या सर्विस करती हो, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो मैं सिर्फ बच्चे संभाल रही हूँ। तो उनको बड़ा एम्बैरेसिंग लगा, लेकिन जमुना माता जी ने फटाक से कहा शिला प्रभुपाद को बच्चे बहुत पसंद थे, शिला प्रभुपाद लव किड्स। तो वो हर चीज़ को इतना वैल्यूबल बना देती थी। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक गाय को भी गोद ले लिया जिसका नाम इन्होंने बिमला टू रखा, और उसको गैरेज में इन लोगों ने एक अस्तबल बनाया गाय को रखने के लिए। माता जी अपना सारा टाइम जो है दो चीज़ों में करती थी, वो कुक करती थी जो इतने सारे गेस्ट जो थे वहाँ से आते रहते थे भक्ति वेदांत मैनर से, और दूसरा क्योंकि दीन तारिणी माता जी बहुत बीमार पड़ गई थी, तो जमुना माता जी ने ही ढूंढा कि जॉर्ज हैरिसन के एक रिलेटिव को किसी ने अक्यूपंचर से ठीक किया था उसकी ब्रेन इंजरी को, तो जमुना माता जी उस लंदन स्पेशलिस्ट के पास गई। हालांकि वो एक ऑब्स का डॉक्टर था, मतलब जो बच्चे पैदा करने में हेल्प करते हैं उसका डॉक्टर था, लेकिन उसने अपने लेटर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में एक अल्टर साइंस सीखी और एक्यूपंक्चर को वो प्रैक्टिस करते थे। तो वो 2 पाउंड पर विजिट के हिसाब से उन्होंने दीन तारिणी माता जी का इलाज किया, और फाइनली दीन तारिणी माता जी ठीक भी हो गई। और वो डॉक्टर दीन तारिणी माता जी के ठीक होने के 2 हफ्ते बाद यू नो ही डाइड, ही पास्ड अवे। तो ये माता जी शेयर करती हैं कि कैसे जमुना माता जी अपना टाइम कुकिंग में और उनकी देखभाल में कर रही थी। और यहीं पे फिर क्या होता है, विशाखा माता जी भी आती हैं और दीन तारिणी माता जी के पास, और अगेन वो पिक्चर्स खींचने का और रेसिपीज टेस्टिंग का सिनेरियो दोबारा से शुरू हो जाता है। ये संकीर्तन लेडीज़ जो थी वो बहुत सारा मनी तो दो कलेक्ट कर लेती थी, लेकिन उनकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो यहीं से हुई थी। और जमुना माता जी उनको हरि नाम में, होली नेम ऑफ कृष्णा को कैसे चैंट करना है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा उनको यू नो एंथुजियाज्म में लेके आती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी। और शिला प्रभुपाद के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में और उनके पास टाइम्स के बारे में बताती थी, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस, उनकी पर्सनल रियलाइजेशंस के बारे में बताती थी। तो गुरुचरण पद्मा माता जी बताती हैं कि एकदम ये एक डिफरेंट वेवलेंथ थी जहाँ पे वो रह रहे थे, और इतना अच्छा रेसिप्रोकेशन हो रहा था और उनको सेवा का मौका दिया जाता था। कभी गार्डन देखो, कभी सिल्वरवेयर को पॉलिश करो, कभी ज्वेलरी अरेंज करो, कभी किचन में हेल्प करो जमुना माता जी के साथ। वो इतनी अच्छी कुक थी कि वो खीर भी रुबार्ब सॉस के साथ बनाती थी और हम लोगों को वो खिलाती थी, और हम खा रहे होते थे तो वो साथ के साथ शिला प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ रही होती थी। और सर्वमंगला देवी माता जी बताती हैं कि कैसे मैंने कभी कहीं नहीं देखा कि शिला प्रभुपाद की पूरे दिन वहाँ पे टेप्स प्ले करती थी उस आश्रम में। कहती है मैं भक्ति वेदांत मैनर के साथ भी जुड़ी हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस जमुना माता जी के उस आश्रम में था वो उनको कहीं पे भी नहीं मिला। राधा रानी की वेस्ट पे इतनी पतली सी बेल्ट हुआ करती थी, और जो राधा बन बिहारी जी हैं उनकी बिब जो होती थी बिल्कुल राधा रमन जैसी थी, और उनके एंकल्स में जो बेल्स, एंकल्स में यू नो एंकलेट्स होते थे वो भी बहुत थिक होते थे बिल्कुल राधा रमन जैसे। उनको जमुना माता जी ने राधा रमन जी के इतने फाइन नोट्स बनाए थे कि वो राधा बन बिहारी जी का भी जो है सिंगार और पूजा अर्चना बिल्कुल राधा रमन के स्टैंडर्ड्स के तरह कर रही थी। कामदुखा देवी माता जी बताती हैं कि यह आश्रम जो था पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट था, रन बाय द लेडीज़, और इनको बाहर की किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। ये टोटली यूनिक कंसेप्ट था जो जमुना माता जी, दीन तारिणी माता जी
इंग्लैंड को लेके आई और उन्होंने एक डोर पे ओपन किया एक अलग लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और वो उन लोगों को सिखाती थी कि कैसे हमें भगवान के लिए कीर्तन करना है, कैसे हमें सारी चीज़ें क्लीन रखनी है। एक होल न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी कि फाइनेस्ट ऑफ डिटेल्स पे कैसे काम किया जाए, सारी चीज़ें इतनी साफ और सही रहती थी। कई बार जमुना माता जी शिला प्रभुपाद की पिक्स निकालती थी, उनके डिफरेंट मूड्स के बारे में डिस्कस करती थी, फुल डिवोशंस के बारे में, उनके डिवोशनल फीलिंग के बारे में बताती थी। और बताती थी देखिए कैसे फेशियल एक्सप्रेशन में ट्रांसेंडेंटल इमोशंस डिस्प्ले होते हैं, कॉन्फिडेंट, कंटेम्प्ट, डेस्परेशन, एंगर, करेज, ऑ, क्यूरोसिटी, एक्साइटमेंट, हॉरर, जॉय, ग्रैटिट्यूड, शिविलरी, आउटरेज, शायनेस, वॉन्डर, जेस्ट और डीप अफेक्शन। वो सारे शिला प्रभुपाद में वो एक्सप्रेशंस जो थे जमुना माता जी एक्सप्रेस करती थी, उनके बारे में बोलती थी, और जब वो शिला प्रभुपाद के बारे में बताती थी तो उनकी आँखें में बिल्कुल पानी भर जाता था और एक डिफरेंट लेवल था जो वो बताती थी। और ऐसे लोगों के हार्ट को वो टच करती थी, एक डीपर फीलिंग को वो जैसे इन्वोक करती है, एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस थी। एक बार एक माता जी बताती है कि उनके पेरेंट्स आए और जमुना माता जी ने, इतनी अच्छी होस्ट थी, उनको प्रसाद पवाया वहाँ पे और उनको रुकने को लिए भी कहा, जबकि वो इंसिस्ट कर रहे थे जाने को, परंतु जमुना माता जी बहुत स्ट्रांगली इंसिस्ट करने लगी कि नहीं, आपने यहाँ पे रुकना है। इवन उनको बेड तक जाके सुलाया भी और उनके पेरेंट्स इतने हैप्पी हुए। वो हमेशा जमुना माता जी को एडमायर करती थी और यही चीज़ था जो वो हर लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए इनकरेज करती थी। माता जी का कहना था कि सिर्फ कुकिंग मतलब खाना बनाना नहीं होता, कुकिंग मीन्स 1/3 प्रिपरेशन है, आप उसकी कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। 1/3 कुकिंग होती है कि खाना बना रहे हो और 1/3 पार्ट है क्लीनिंग। तो माता जी की किचन वॉज एवरीथिंग स्पॉटलेस क्लीन होता था और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे डिवोटीज को इंस्पायर किया कि उस लेवल पे। शिला प्रभुपाद कहते थे कोई फ़ायदा नहीं है किताबें लिखने का, कोई फ़ायदा नहीं है शास्त्रों में से कोट करने का, यू हैव टू बी दैट एग्जाम्पल। आप अगर इफ़ यू आर दैट एग्जाम्पल, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग। अगर आप वो एग्जाम्पल बन सकते हो, अगर आप उस स्तर पे आ सकते हो जो आप दूसरों में करना चाहते हो, तो वही सबसे बड़ी प्रीचिंग है और वही सबसे बड़ा प्रचार है। और जमुना माता जी उसका जीता जागता उदाहरण थी। अब यमुना माता जी ने देख लिया था बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ बहुत सारे लोगों में और वो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी। इनफैक्ट वहाँ पे संकीर्तन लेडीज़ में एक कुलंगना माता जी थी और जमुना माता जी उनके साथ कभी कभार कुक करती थी, तो उनको उनका टैलेंट दिख गया कि वो कितनी अच्छी मिल्क स्वीट्स बनाती हैं। और लास्ट 25 सालों से कुलंगना माता जी 90 स्वीट्स पर डे बनाती हैं श्री राधा गोकुलानंद के लिए। तो देखिए ये वहाँ के लिए बहुत फेमस था। और कुलंगना माता जी कहती थी कि जमुना माता जी एक बहुत अच्छी कुक हैं और उन्होंने वो एफर्ट जो है वो चीज़ मुझ में देखी, उनमें इतना छोटी मात्रा में भी एक जिसको कहते हैं एनवी नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। इनफैक्ट वो हमेशा सबकी मदद करना चाहती थी, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती थी पर सबकी मदद करना, किसी भी प्रकार से करना, आउट ऑफ द वे जाके वो करती थी। और कुलंगना माता जी कहती हैं उनको समय मिला एक बार जब भक्ति वेदांत मैनर में माता जी रह रही थी कि उनको किचन में असिस्ट करना, और उन्होंने उन्हीं से सीखा कि कैसे वो वेजिटेबल्स को भी अच्छे से काटती थी और उनके एंड्स को हटा देती थी और नाइसली स्क्वायर शेप होनी चाहिए थी वैसे वो लेती थी, और अगर वो वेजिटेबल प्रॉपरली कट भी नहीं होती थी तो वो उसको रिजेक्ट कर देती थी, एकदम हटा देती थी। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था कि कौन इतनी अटेंशन दे रहा है जब वो भगवान का खाना प्रिपेयर कर रहा है, तो ये मैंने उनसे सीखा। और वो हमेशा हमें एक पर्सन की तरह डील करती थी कि इम्पर्सनल वे में नहीं डील करती थी, हाँ ये कर लेना, वो हमारे अंदर की खूबी पहचानती थी और उसी वे में डील करती थी। और वो हमेशा सोचती रहती थी कि अगला बंदा उनसे मच बेटर है, अगला बंदा ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से कर रहा है। वो इतनी सेल्फलेस थी
और हमेशा सोचती रहती थी कि वो ठाकुर जी को कैसे कैसे सेवा करें उनकी और कैसे हर डिवोटी को प्लीज़ करें। वो हमेशा संकीर्तन लेडीज़ को अपने घर में बुलाती थी और उनको प्रसादम सर्व करती थी। हर चीज़ उनकी इतनी यूनिक थी कि इवन द उपमा भी जो मैंने उनके हाथ का बना खाया वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि उसमें एक डिफरेंट टेस्ट था। तो ये वो माता जी बता रही हैं जो 25 साल से 90 आइटम स्वीट्स के रोज़ राधा गोकुलानंद को सर्व कर रही हैं। वो जमुना माता जी के बारे में बता रही हैं कि वो इतनी रिफाइंड डिटेल्स में वर्क करती थी कि वो भगवान के लिए, मतलब स्वयं राधा कृष्ण के लिए भोजन प्रिपेयर कर रही हैं, और उन्होंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा करता है। और एटलीस्ट वंस अ वीक जो थे ये लोग भक्ति वेदांत मानर जाते थे, जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी, वहाँ पे कीर्तन होता था और क्लासेस होती थी शिला प्रभुपाद के वहाँ पे। और वो माता जी, जमुना माता जी कहती हैं कि हमारे हार्ट में ना शिला प्रभुपाद है ही, हमारे गुरु महाराज रहते हैं विद सुपर सोल। और यही है कि जब चीज़ें हमारी कॉन्शियसनेस बहुत फेवरेबल होती है तो हम उनके कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स, एकदम मिराकल्स होते हैं हमारी लाइफ में। और ये दिखाता है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो हमारे हार्ट में हमेशा हमेशा रहते हैं। अब क्या हो रहा है, वक्त पलट रहा है और धीरे धीरे ये जो है जय तीर्थ महाराज के बिहेवियर को अब इग्नोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जय तीर्थ महाराज क्या है कि लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे एक्सटैटिक सिम्टम्स, अष्ट सात्विक विकार दिखाने शुरू कर रहे हैं, और जो नए नए डिवोटीज़ हैं उनके ऊपर इम्प्रेशन आ रहा है कि नहीं ये तो बहुत महाभागवत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो एक एक्टिंग कर रहे हैं इन सारी चीज़ों की। और जो बेसिक चीज़ है, और ये सारे रूमर्स वगैरह चल रहे हैं, हमें जमुना माता जी कहते हैं इनिशियली हमने इन गॉसिप्स को इग्नोर किया कि कहीं ये हमसे अपराध ना हो जाए, बट एक्चुअली जय तीर्थ महाराज में ये सारे चेंजेस आ रहे थे। उनके पास सब कुछ था, उनके पास एक वो वंडरफुल डिवोटी थे शिला प्रभुपाद के, एक ब्यूटीफुल और लॉयल वाइफ थी और एक पुत्र था। इसके उपरांत भी उनकी, मतलब इतने मटेरियली और स्पिरिचुअली वो बैलेंस थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सब खो दिया। तो माता जी इससे ये रियलाइजेशन निकालती है कि हमें ना बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा, नहीं तो हम माया के प्रभाव में आके सब खोज सकते हैं। तो प्रार्थना करती है, हे भगवान आप हमें क्या सिखा रहे हो और हम कैसे इन सारी चीज़ों से बचें। और जय तीर्थ महाराज का फॉल डाउन उनको बहुत डीपली इफेक्ट कर रहा था, तो वो अपने राधा बन बिहारी डीटीज के सामने बैठ जाती थी और लालसामयी प्रेयर्स गाती थी, भक्ति विनोद ठाकुर की, नरोत्तम दास ठाकुर की, बहुत भजन वो गाती थी। और वो उनका कहना था कि जो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट है इस मटेरियल वर्ल्ड की, वो हमें भगवान कृष्ण से और दूर ले जाएंगी, तो हमें इनसे ट्रांसेंडेंट करना है, हमें इनसे ऊपर उठना है और हमें अपने आप को हरि नाम के प्रति अट्रैक्ट करना है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो हम भगवान कृष्ण के लिए कर सकते हैं। अब इनकी ये फ्रेंड थी मंजुआली जो भक्ति तीरथ स्वामी महाराज की वाइफ थी, और क्योंकि GBC ने ये डिसाइड कर लिया था कि जय तीरथ महाराज की वाइफ थी और जय तीरथ महाराज का बहुत फॉल डाउन आ गया है, तो ओनली रेक्टिफिकेशन इज कि उनको संन्यास दिया जाए, और वो रिलक्टेंट थी। तो अब क्या हुआ, मंजुलिया माता जी इन लोगों के साथ आके रहने लग गई, और इन लोगों ने, यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी ने कहा कि आप हमारे साथ ही रहो, कोई बात नहीं। पर मंजुलिया माता जी अपने आप को उस स्तर तक ला ही नहीं पाई, वो कह रही थी कि मैं 33 साल की हूँ, मेरे पास एक बेटा है कि जो गुरुकुल में है, और ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है कि मेरे हस्बैंड के साथ जो हुआ, और ये लोग सिर्फ वाइट पहन रहे थे और ये बहुत एडवांस थे, तो मैं इनके स्टैंडर्ड तक जा ही नहीं पा रही थी। तो मैं थोड़ा टाइम इनके साथ रही और मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद इनके पेरेंट्स आ जाते हैं मंजुलिया माता जी के, और फिर क्या होता है, ये उस घर से चली जाती है, जबकि जमुना माता जी ने इनको बहुत एनकरेज किया कि वो विमेन आश्रम में इनके साथ ही रहे।
अब जयतीर्थ महाराज भी इंग्लैंड आते हैं, वो एक रिलक्टेंट सन्यासी हैं, उनको सन्यास नहीं लेना था, और वहाँ पे वो दो तीन बार आते हैं, पर सीरियसली उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल र्यून हो चुकी थी और उनका बहुत ज़बरदस्त फॉल डाउन आ चुका था। और एक बार क्या होता है, 2 बजे एक मॉर्निंग में इनको चर्च फार्म हाउस से कॉल आता है कि 2000 जो जयतीर्थ महाराज के डिसाइपल्स हैं वो उन्होंने एक वहाँ सड़क पे हंगामा कर रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज है और हार्ट ब्रोकन है, तो कृपया कर आप लोग आओ। जमुना माता जी और 3 तारिणी माता जी को बुलाया जाता है कि आप आके थोड़ी सी जो है सिचुएशन को हैंडल करो। और ये लोग वहाँ पे जाते हैं और वो देखते हैं पूरा मेहम बन रहा है, और वहाँ पे जाके पता चलता है वो लोग रो रहे हैं कि हमारे गुरु बोनाफाइड नहीं है, हमारा क्या होगा, कैसे होगा। और वहाँ पे सारी जयतीर्थ महाराज की सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर जो थे वो अष्ट सात्विक विकार दिखा रहे थे, जो कि एक फेक डिवोशन था, और अब संन्यास लेने के बाद भी वो रिलक्टेंट थे। तो ये जाके उन लोगों को इनकरेज करती हैं, इन लोगों को जाके थोड़ी संभालती हैं, और फिर आगे क्या होगा इनकी लाइफ में, ये खुद हिल चुकी हैं कि ये क्या हो रहा है, इनकी भक्ति भी इफ़ेक्ट हो रही है, और दे फील कंपैशन उन लोगों के लिए, क्योंकि उस समय बहुत सारे गुरुस का फॉल डाउन आया था, तो दे फीलिंग अ डीप लेवल ऑफ कंपैशन इन लोगों के लिए। अब आगे ये क्या कर पाती हैं, क्या ये अपना लंदन वाला, ये अपना हैम्स्टेड वाला आश्रम को मेंटेन कर पाती हैं, या फिर ये आगे जाएंगी, तो हम जानेंगे नेक्स्ट टाइम जमुना माता जी के लाइफ में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।